नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 बेहतरीन शेयर के बारे में जिसमें गिरावट आए मार्केट में तो आपको जरूर बाइंग करनी चाहिए। यह 10 बेहतरीन शेयर है और अलग अलग सेक्टर से है और काफ़ी बेहतरीन शेयर है। जैसे गिरावट में मिलता है तो आपको इन शेयर में जरूर बाइंग करनी चाहिए। जैसे मार्केट में अभी करेक्शन चल रहा है तो हो सकता है अगर निफ्टी 11,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो एक बड़ा करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। जैसे करेक्शन आता है तो आपको किन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करनी चाहिए, तो सबसे पहला है रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा, मतलब एक बेहतरीन मैच्योर रिटर्न जिसमें कहते हैं कि आप फियरफुल नहीं रहेंगे, मतलब आप डरे हुए नहीं रहेंगे अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये आपको निश्चित रूप से एक अच्छा रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में, तो आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम ईयर की चार्ट की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री काफी अच्छा रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। देखते हैं 4000% से अधिक का रिटर्न दिया है लगभग 18 साल में 4000% का, तो काफी बेहतरीन है। तो आपके शेयर मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है 20 साल में, मतलब 18 साल में कहे तो 40 गुना किया है, तो काफी बेहतरीन शेयर है ये भी। अगर करेक्शन पे मिलता है तो आपको जरूर इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए आगे चलकर, कि एक और बहुत बड़ा मल्टीबैगर शेयर बन सकता है। दूसरा हमारा शेयर है डिक्सन टेक्नोलॉजी। जिस तरह से हम बायकॉट चाइना कर रहे हैं और मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी काफी बेहतरीन पिक्स हो सकता है इसके पर्पज से, क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चर करती है टेक्नोलॉजी को तो काफी डिमांड है इंडियन मार्केट में और काफी बेहतरीन कंपनी भी है। नोएडा बेस्ड ये एक कंपनी है जो कि काफी बेहतरीन है और इसके शेयर में मोमेंटम भी देखेगा तो काफी जबरदस्त है। यहाँ पर देखते हैं जब से बैकआउट चाइना आया है, यहाँ पर देख लीजिए मार्च से, यहाँ से ये स्टॉक्स काफी मतलब तेजी दिखा चुका है, लगभग 200% तेज हो चुका था। तो दोस्तों, काफी बेहतरीन शेयर है ये। जब गिरावट आया था मार्च में तो मात्र 3400 रुपए का शेयर था, 3400 का, 8400 से अभी ये स्टॉक्स 10,000 का, मतलब जो 10,000 है उसका हाई लगा चुका है। यहाँ पर देख लीजिए 10,289 का, और काफ़ी करेक्शन पे आपको ये स्टॉक्स मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं या और वेट कर सकते हैं आप इसमें करेक्शन का, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। अब आप इस स्टॉक की बात करेंगे 2000 रुपीज़ में मिल जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। जो अच्छे स्टॉक्स है वो आपको महंगे प्राइस पे ही मिलेंगे, तो आपको जब भी करेक्शन मिलता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं या SIP स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये एक बेहतरीन शेयर है। उसके बाद वो तीसरा शेयर है जिसमें आपको गिरावट में बाय करनी चाहिए, वो है अतुल लिमिटेड। दोस्तों, ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, हमने कई सारे वीडियोस में आपको बताया है अतुल लिमिटेड जिसके पास काफ़ी ज़्यादा रिजर्व है, तो आगे चलकर कि ये बोनस शेयर या स्टॉक स्प्लिट आपको दे सकता है, ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है। ये भी देख लीजिए अपना हाई बनाया है 7000 का, यहाँ पर आप 52 वीक हाई देख लीजिए 7000 का, और अभी आपको ये 6000 के ऊपर मिल रहा है। आज ही इसका लो देख सकते हैं 6000 के आसपास था, तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है। इस शेयर में चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये शेयर भी एक साल में देख लीजिए काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, एक शेयर एक साल में देख सकते हैं 57% का रिटर्न। तो दोस्तों, जो महंगे स्टॉक्स हैं वो महंगे क्यों है, क्योंकि वो अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स हैं, तो अच्छे कंपनी के स्टॉक्स आपको महंगे ही मिलेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखेगा तो काफ़ी ज़बरदस्त है, 30,000% का रिटर्न देख सकते हैं, 30,000% का रिटर्न, तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है, तो आप इसमें हर गिरावट में बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है एस्ट्रल पॉलिटेक्निक। दोस्तों, ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है। देखते हैं जब मार्च में गिरावट आया था तो यहाँ पर आपको काफ़ी कम प्राइस पर यह मिल रहा था, मात्र 940 रुपीज़ या कहें 900 से भी नीचे स्टॉक मिल रहा था, वहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त रैली ये भी स्टॉक्स दिखाया और अभी ये 35% ऊपर मिल रहा है, तो इसमें भी आपको करेक्शन आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 2007 से अभी तक में देख लीजिए 13,000% का रिटर्न, मात्र 2007 से लेके अभी तक में मात्र 13 साल में 13,000% का रिटर्न। तो दोस्तों, कितना बेहतरीन स्टॉक्स है ये आप समझ सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, ऐसे ही स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करनी है। उसके बाद है HLE ग्लासकॉट लिमिटेड। दोस्तों, ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मतलब रैली कर चुका है। अगर आप 2019 में बात करें अगस्त में, तो ये मात्र 175 रुपये का स्टॉक है, वहाँ से ये आ चुका है अभी देखते हैं 1580 रुपये, तो 800% ऊपर है मात्र एक साल में, तो यहाँ से हो सकता है ये काफ़ी करेक्शन भी दिखाए या हो सकता है यहाँ से और ज़्यादा रैली ये दिखा सकता है, तो इसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, तो इसलिए मैंने इसमें SIP
स्टार्ट किया, मात्र एक स्टॉक हमने इसमें बाय किया। तो इसी तरह जैसे बाय किया उसमें देख सकते हैं करेक्शन, 5% का लोअर सर्किट आज लगा हुआ है। तो इसमें मैंने भी SIP स्टार्ट किया है, तो इसी तरह जब ये करेक्शन करेगा तब बाय करेंगे, क्योंकि अभी ये काफ़ी रैली कर चुका है। तो यहाँ पर आप देखिएगा काफ़ी ओवर बाउट जोन में है ये स्टॉक्स, तो यहाँ से करेक्शन भी दिखा रहा है। मार्केट में करेक्शन आता है तो निश्चित है इस स्टॉक में भी करेक्शन आएगा, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं करेक्शन का, या SIP मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेहतरीन शेयर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये रैली कर चुका है 800% तक का एक साल में, तो हो सकता है यहाँ से 200% की, मतलब 200% जो है करेक्शन कर जाए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है वेट एंड वॉच करनी चाहिए, तब जाके इन्वेस्ट करनी चाहिए इसमें। उसके बाद जो हमारा अगला स्टॉक है वो है GMM फॉर्डलर, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन आज 10% का लोअर सर्किट है। तो इसका न्यूज बेस्ड ये सर्किट है, क्योंकि इसका जो ऑफर फॉर सेल लाया गया है इस स्टॉक का वो 3500, मतलब 3500 रुपये पर लाया गया है। तो दोस्तों जब 3500 रुपये में ऑफर फॉर सेल में स्टॉक मिल रहा है, तो 5000 में कौन सा आदमी इस शेयर को बाय करेगा, जिसके कारण देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने मिला है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने मिला है। सेलिंग के प्रेशर कारण इसमें लोअर सर्किट लग चुका है। तो इस स्टॉक का आप सबसे बेहतर होगा कि ऑफर फॉर सेल का मजा लें, ज़्यादा बेहतर होगा। आप ऑफर फॉर सेल में अगर स्टॉक आपको मिल रहा है तो ज़रूर आप ले सकते हैं, या आप वेट कर सकते हैं। इसमें भी देख सकते हैं काफ़ी, जब से न्यूज आया है काफ़ी 6000 का स्टॉक्स अभी आपको मिल रहा है मात्र 4600 में, 25% ये करेक्ट हो चुका है एक महीने में। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, निश्चित है ये स्टॉक आपको काफ़ी नीचे के प्राइस पर मिलेगा। 2019 में ही लिस्ट हुआ और मात्र 700 रुपीज का ये स्टॉक था, अभी ऑफर फॉर सेल इसका जो आ रहा है 3500, 5 times जहाँ पर यह स्टॉक लिस्ट हुआ उससे 5 times पे ऑफर फॉर सेल आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि जो स्टॉक्स काफ़ी रैली कर चुका है उसमें करेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। तो जब भी स्टॉक बाय करें तो आप एक फेयर वैल्यू पर बाय करें, एक इंटेंसिव वैल्यू पर बाय करने की कोशिश करें। उसके बाद जो अगला स्टॉक है भारती एयरटेल, दोस्तों ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन जो AGR का ड्यूज है उसके कारण इस स्टॉक में आपको काफ़ी गिरावट देखने मिल रहा है। तो दोस्तों इस स्टॉक में चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इसमें आप ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। सिर्फ AGR ड्यूज में काफ़ी रिलीफ मिल चुका है, और आगे ये स्टॉक्स रैली दिखा सकता है, आगे ये स्टॉक्स आपको काफ़ी ज़्यादा रैली दिखा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, बिजनेस भी काफ़ी बेहतरीन है, और बिजनेस हमेशा डिमांड में रहने वाला है। तो दोस्तों इस स्टॉक में आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और काफ़ी बेहतरीन Nifty 50 का स्टॉक्स है, और काफ़ी बेहतरीन है। चार्ट यहाँ देख लीजिए, चार्ट भी काफ़ी सॉलिड है। कभी भी इसमें करेक्शन आता है तो आप बाय करते हैं तो निश्चित है आपका इन्वेस्टमेंट काफी बेहतरीन होगा। उसके बाद जो हमारा अगला स्टॉक है IT सेक्टर से इंफोसिस, IT सेक्टर में आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि IT सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है जो इस पैंडेमिक में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। IT सेक्टर हो गया, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर हो गया, स्पेशलिटी केमिकल में जैसे SRF हो गया, PI इंडस्ट्री हो गया, नवीन फ्लोरिन हो गया, उन सब स्टॉक्स में आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। दीपक नाइट्रेट हो गया, तो कई सारे स्टॉक्स हैं स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में, जैसे आरती इंडस्ट्रीज है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से स्पेशलिटी केमिकल्स में कई सारे स्टॉक है, साथ साथ IT सेक्टर में भी TCS आप बाय कर सकते हैं, इंफोसिस, HCL टेक, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है ये सब। और अगर हम बात करें इसके रिटर्न का, तो इंफोसिस भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, देखते हैं 8500% का रिटर्न पिछले 20 सालों में। तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, और एक मंथ में देखिएगा काफ़ी ज़्यादा रैली किया है इस स्टॉक ने, और 6 मंथ में देखिएगा और काफ़ी ज़्यादा रैली किया है। ये स्टॉक्स मात्र 500 रुपीज़ के आसपास आपको मिल रहा था, वहाँ से 91% अप है। तो दोस्तों इस स्टॉक में भी कभी करेक्शन में आपको मिलता है तो ज़रूर इन्वेस्ट करनी चाहिए, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। तो IT सेक्टर के कोई भी स्टॉक करेक्शन पे आपको मिलता है, इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है। उसके बाद हमारा अगला स्टॉक है वह है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, इसमें चाहे तो आप इन्वेस्ट करते हैं। ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन, अगर आप 1 मंथ का चार्ट देखिएगा तो 1 मंथ में ये लगभग फ्लैट है, लेकिन आप अगर ईयर टिल डेट में देखिएगा तो स्टॉक्स काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। अगर पैंडेमिक में जो गिरावट आया था वहाँ से बात करें तो और ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यहाँ से आप देख लीजिए मात्र 1500 का ये स्टॉक्स अभी आपको देखते हैं 3000 के आसपास मिल रहा है, वहाँ से 74% का रिटर्न अभी भी ये स्टॉक्स दे रहा है। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है, ये भी हमने आपको रिकमेंड किया है कि आप जो है अगर
अगले 5 साल 10 साल के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला ये स्टॉक्स आपको हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करना तो जरूर इन्वेस्ट करें, काफी बेहतरीन स्टॉक्स है और आने वाले समय में आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न ये स्टॉक्स दे सकता है। उसके बाद अगला हमारा है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड, ये भी काफी बेहतरीन शेयर है और इसका बिजनेस मॉडल जो है वो भी काफी बेहतरीन है, काफी अच्छा बिजनेस करती है ये स्टॉक्स, क्योंकि इसका जो ऑनलाइन वेबसाइट है काफ़ी अच्छा वेबसाइट है, काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है, मार्केट पर काफ़ी अच्छा पकड़ है, तो आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। और यहाँ से आप बात करें तो देख सकते हैं यहाँ से ये स्टॉक्स मात्र एक महीने में 36% का रिटर्न दे रहा है, मात्र एक महीने में 36% का रिटर्न, और जब से ये स्टॉक्स लिस्ट हुआ है 2019 और वहाँ से देखिए तो ये 263% का रिटर्न दे रहा है जुलाई 2019 से अभी तक में। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और इसमें जो यहाँ से देखिए तो काफ़ी गजब की रैली देखने मिल रहा है आपको जुलाई से, तो पिछले 2-3 महीने से काफ़ी ज़्यादा इसमें तेज़ी देखने मिला है, तो ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी स्टॉक्स हमने आपको बताया, ये सारे स्टॉक्स में से आपको कौन से 5 स्टॉक्स सबसे ज़्यादा अच्छे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो नए लोग हैं उन्हें पता चल सके कि कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें इन्हें इन्वेस्ट करने चाहिए। आप अपना पसंद का जो इसमें से 5 बेहतरीन स्टॉक्स है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।